नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। झारखंड में ओमिक्रॉन का पहला संदिग्ध केस, केरल से आई महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। रिम्स में अब तक 3 संदिग्ध केस आए सामने। अगर आप ये मानकर बैठे हैं कि कोरोना चला गया और अब आपकी जिंदगी बिना मास्क और सामाजिक दूरी वाली होने वाली है, तो ये खबर सिर्फ आपके लिए है। असल में रांची के गेंदली पोखर में 50 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव और ओमिक्रॉन की पहली संदिग्ध केस है। ये कुछ दिनों पहले ही केरल से यहाँ आई है। मरीज को रविवार दोपहर रिम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। इससे पहले भी रिम्स में 2 संदिग्ध केस यहाँ भर्ती हो चुके हैं। जीएन भारत की टीम को मिली जानकारी के मुताबिक ट्रामा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया कि महिला को संदिग्ध मानते हुए उसके सभी प्रकार के जांच कराए जा चुके हैं। महिला में मिले कोरोना वेरिएंट का पता लगाने के लिए उसके जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत होगी, जिसका फैसला रिम्स प्रबंधन करेगा। इधर रिम्स के पीआरओ डॉक्टर डी के सिन्हा ने कहा है कि ओमिक्रॉन के संदिग्ध मरीज को भर्ती करने की जानकारी प्रबंधन को है, लेकिन पहले महिला की सभी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बहरहाल रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन ये तो साफ है कि कोरोना अभी हमारे बीच है। ऐसे में हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।